Hey, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फोटो को कुछ इस तरह से लुक दे पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप लुक दे पाएगा, काफी कूल लगता है ये लुक। नॉर्मली आप अपने अगर व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस में इसे डालिएगा तो आपके फ्रेंड भी पूछेंगे कि कैसे आपने जो है अपने फोटो को कुछ इस तरह से लुक दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चल जाए कैसे आप अपने फोटो को जो है इस तरह से लुक दे पाएगा और काफी कूल लगता है ये लुक, आप जैसा कि यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि मैं नए अपडेट करूंगा। तो हमेशा की तरह आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है फोटो विंडो। जैसे आप सर्च करते हैं तो दूसरा नंबर जो एप्लीकेशन आता है आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, 3.7 rating out of 5 काफी अच्छी मानी जाती है। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट मांगता है तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका जो है फोटो विंडो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पर कैमरा और गैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है, गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ मांगेगा, अलाउ दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पर फोटोज और गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सिंपली अपनी गैलरी में चल जाएगा। गैलरी में जाने के बाद आप अपने हिसाब से जो एक फोटो चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने हिसाब से फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ में जो टिक मार्क दिख रहा है उस पर टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर देखिए आपका फोटो प्रोसेस होने लग जाएगा। देने के बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, फोटो विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है फोटो विंडो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप टैप कीजिएगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आप इस पर टैप कीजिएगा तो ये सर्कल हो जाता है। अगर टैप कीजिएगा दोबारा स्क्वायर हो जाएगा। तो दो ही मोड दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जो इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है चेहरे के ऊपर आ रहा है, तो आपको क्या करना है सिंपली दोनों को पकड़कर नीचे की तरफ में जो है स्क्रोल डाउन करना है। आप नीचे की तरफ पे स्क्रोल डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो है ये स्क्रोल डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर से आपको जो है नीचे की तरफ में और करना है। जैसे ही आप करेंगे तो देख सकते हैं ये काफी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से टिक कर देना है। टिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फिर से प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिएगा आपके फोटो का इफेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं दो तरीका यहाँ पर इफेक्ट मिलता है। एक 3D इफेक्ट मिलता है, नीचे की तरफ में आपको स्क्वायर करके एक आइकन दिखाई दे रहा हो, आप उस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको 3D ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर साइड की तरफ में आप जो आप देखते हैं जो है मीटर मिलता है, स्पीड मीटर। तो नॉर्मली मैं बोलूंगा 3D वाला उतना इफेक्टेड नहीं है, कुछ कुछ फोटो के लिए अच्छा लगता है पर सभी फोटो के लिए जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं आपको जो है स्पीड मीटर मिलता है, आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मीटर दिया हुआ है, तो पहला मीटर में जो हल्का हल्का स्पीड हो रहा है, दूसरा मीटर में जो थोड़ा तेज हो रहा है, तीसरा में देखिए और भी फास्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से स्पीड मीटर बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बेसिकली 2 वाला काफी पसंद है, 2 मीटर स्पीड का, जो काफी कूल लगता है। और ऊपर की तरफ में आपको प्ले पॉज बटन दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ एडिट का बटन दिया हुआ है, शेयर का बटन दिया हुआ है, गैलरी में सेव करने का और डिलीट का बटन दिया हुआ है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं डायरेक्ट अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी में भी तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर में क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जीफ एनिमेशन का और दूसरा स्ट्रीट पिक्चर का। तो मैं बोलूंगा जीफ एनिमेशन आप हमेशा सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको जो इफेक्ट मिलता रहेगा। और यहाँ पर अगर सेव की बात कर ले, गैलरी में सेव करना है तो आपको यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सिंपली सेव कर लेना है अपने गैलरी में, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप में या फिर किसी भी ग्रुप में जो है सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लो नॉर्मल हाई, आप अपने हिसाब से जो इसे चूज कर सकते हैं लो नॉर्मल हाई। तो मैं यहाँ पर हाई रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ये जो है आपके गैलरी में सेव हो जाता है। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव के ऑप्शन में दोबारा क्लिक करना है, जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो दोबारा शेयर भी कर सकते हैं और काफी अच्छा इफेक्ट देता है। नॉर्मली ये इफेक्ट आप देख सकते हैं काफी कूल लगता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फोटो को काफी कूल बना सकते हैं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस में जो इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा।
तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल।